अज एक बहुत ही मंदभागी घटना साढ़े पंजाब के अंदर वापरी है। पंजाब के मशहूर गायक जिन्होंने विश्व पद्धर से बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त की सिद्धू मूसेवाला, उन्होंने हमला होया और उन्हों की मौत हो गई है। मैं समझदा कि ये अगर कोई कसूरवार है तो वह केवल तो केवल पंजाब सरकार जी है, वह कसूरवार है, भगवंत मान की सरकार कसूरवार है, जिड़ी कि पिछले दिनों तो लगातार सिक्योरिटी हटाने के नाम के उपर उन्होंने बहुत सारे लोगों सिक्योरिटियां हटाइया और उन्होंने जनतक किया है। और केवल मैं समझदा कि एक सस्ती शोहरत हासिल करने वास्ते पंजाब सरकार भगवंत मान की जी सरकार है वो सस्ती शोहरत को हासिल करने वास्ते अजिहियां जिहड़ियां जिहड़े काम है वह कर रही है और सिक्योरिटी के नाम से उन्होंने पंजाब के लोगों भी और पोलीटिशन के नाल भी और होर भी अनेक जिहड़ियां हस्तियां जिन्हों सिक्योरिटी मिली हुई सी उहदे नाल पद्दा मजाक किया है। और इन्ना ही नहीं, पिछले दिनों तो जदों तो यह सरकार बनी है मार्च तो लै करके हुण तक लगातार पंजाब की जिहड़ी कानून व्यवस्था है लॉ एंड ऑर्डर बुरी तरह यह पंजाब सरकार जिहड़ी है उहदे च फेल हुई है। लगातार नित कोई ना कोई कतल हो रहे हैं, साढ़े वर्ल्ड लैवल से कई जो प्लेयर से कबड्डी के उन्होंने कतल होए हैं। और अज एक बहुत ही मंदभागी घटना जी है, साढ़े को एक बहुत ही अच्छा गायक जरा सिद्धू मूसेवाला जिन्हों बहुत ज़्यादा पसंद करते पूरी दुनिया के अंदर लोग, भी हमला होया और भी मौत हो गई है। मैं समझदा कि पंजाब सरकार को चेतना चाहिए, अज जिस ढंग पंजाब के हालात ने उदे वास्ते केवल तो केवल जिहड़ी पंजाब दी सरकार है मौजूदा भगवंत मान दी सरकार है वो दोषी हैगी है।